हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कॉपिक्स। एंड कैसे आप सब लोग, आई होप सब लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज मैं एक बहुत बड़े क्वेश्चन को एड्रेस करने वाला हूँ आज की वीडियो में। जो मेरे लास्ट एक वीडियो थी वाई आई एम सेलिंग माई पंच, तो उसमें बहुत लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था एंड कई लोगों को कंप्लेन थी कि मैंने प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दी है उस वीडियो में कि मैं पंच सेल क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में, जबकि मैंने अपने तरफ से अपना पॉइंट बताया था उसमें कि क्या रीज़न है मेरा पंच को सेल करने का। बट फिर भी लोगों के क्वेश्चन थे, तो आज आप सबके क्वेश्चन दूर हो जाएंगे, बिकॉज आज मैं क्लियरली आपको बताता हूँ कि मैंने पंच सेल क्यों करी और क्या रीजंस थे मेरे उस कार को सेल करने के पीछे। तो गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं, सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे कि क्यों मैंने वो कार सेल करी। तो गाइज, सबसे पहला पॉइंट जो कार सेल करने का था, मेरा मोस्टली जो ट्रैवल होता है ना, वो कार जो थी मेरी हाईवे पर्पज़ के लिए थी। मोस्टली मैंने उसको हाईवे में ट्रैवल करता था और मोस्टली जो मेरा ट्रैवल होता था वो हिली एरियाज़ में होता था। तो नॉर्मली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ एंड हम जब अपने जाते थे अपने होम टाउन, तो हमारा मोस्टली ट्रैवल उसी रीज़न से मैंने वो कार ले रखी थी। तो मोस्टली ट्रैवल्स उसका हिली एरियाज़ में ही रहता था और मैंने उसको काफ़ी हिली एरियाज़ में ड्राइव भी किया है। तो मुझे जो पर्सनली फील होता था, और मैंने पहले भी कई बार अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, मुझे लगता था जो उसका 1.2 लीटर इंजन है वो कहीं ना कहीं उसके कर्व वेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा अंडर पावर फील होता था। बिकॉज जब आप हिली एरियाज में आप 5 लोगों के साथ प्रॉपर लगेज के साथ ट्रैवल करते हो, तो आपको वो थोड़ा सा अंडर पावर वाला फील आपको पता चलता है। हाईवेज में आपको इतना पता नहीं चलेगा। हाईवेज के लिए बहुत बढ़िया कार है, बहुत स्टेबल कार है और मैं रिकमेंड करता हूँ इस कार को। कई मेरे रिव्यूज में देखा होगा आपने, मैंने हमेशा रिकमेंड करता हूँ पंच को। अगर आप उस बजट में अगर आप कोई ढूंढ रहे हो तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। बट हाँ, अगर हिली एरियाज में आप ज्यादा चलते हो, प्रॉपर 5 लोग बैठे हो, आपके पास लगेज अच्छा हो, तो उस केस में थोड़ा अंडर पावर फील होता है। और मेरा ट्रैवल वहां पे ज्यादा था और इसीलिए मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे थोड़ा चाहिए था, कि थोड़ा पावर चाहिए थी कार से। इसीलिए मैं नेक्स्ट सेगमेंट की कोई कार ढूंढ रहा था जिसमें मेरे को थोड़ा और पावरफुल इंजन मिले। तो मैंने जो कार शॉर्टलिस्ट की थी, मेरे पास नेक्सॉन था एक मेरे माइंड में, एक मेरे को XUV300 थी मेरे माइंड में, एंड जो नेक्स्ट कार मैंने शॉर्टलिस्ट की थी वो थी आपकी ब्रेजा। तो इन तीनों कारों को मैंने शॉर्टलिस्ट किया था कि इन तीनों कारों में से कोई लूंगा। तो मेन रीजन जो था वो यही था कि मुझे फील होता था पर्सनली कि इसका जो इंजन है वो थोड़ा बहुत अंडर पावर फील होता था मुझको। और मेन रीजन जो बोलूंगा ना मैं, वो इसको निकालने का यही था कि मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके बेसिस पे मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि यार वहां पे हिल्स में मुझे थोड़ी इश्यूज आ रहे थे। गियर शिफ्टिंग ज्यादा करनी पड़ रही थी बिकॉज कार का इंजन आपको थोड़ा बहुत अंडर पावर लग रहा था, तो गियर शिफ्टिंग ज्यादा होती थी। उस केस में मुझे चाहिए था एक थोड़ा बड़ा इंजन या थोड़ा पावरफुल जिसमें आपको टर्बो इंजन ऑप्शन मिल रहा हो। तो इसीलिए मैंने ये तीनों कार शॉर्टलिस्ट की थी। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे रीजन रहा इसको सेल करने का, कि मेरा एक पर्सनली भी था कि मुझे एक सेगमेंट थोड़ा सा अपग्रेड करना था, अपना नेक्स्ट सेगमेंट में जाना था। तो ये दो रीजन थे मेनली जो मेरे थे। एंड अगर आप न्यू बायर और आप सोच रहे हो पंच लेने का, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस ऐसा कार में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। कार को आप हाईवे पर्पस के लिए अगर आप लेने की सोच रहे हो तो बहुत अच्छी है हाईवे के लिए। ये बहुत स्टेबल होकर चलती है, स्टेयरिंग रिस्पांस बहुत अच्छा है, सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये कार आती है हाईवे में। तो एक और चीज़ है कि आपको माइलेज भी बहुत अच्छा निकाल के दे देगी। माइलेज का इशू आपको थोड़ा सिटी में पड़ता है, सिटी में थोड़ी माइलेज इसकी ड्रॉप होती है। अदरवाइज हाईवे के लिए तो कार बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ मैं इस कार को। और जिस बजट रेंज में ये कार आती है उसमें बहुत अच्छी कार है ये। तो आप बिल्कुल भी माइंड में ये मत लीजिएगा कि ये कार से कोई इशू है या इस कार में कोई प्रॉब्लम है। मेरा जो पर्सनल रीज़न था इसको बेचने का, वो सिर्फ यही था कि मेरे को जो हिली एरियाज में मुझे पर्सनली फील होता था कि अंडर पावर ये फील हो रही है, बिकॉज मैं 5 लोगों के साथ ट्रैवल करता था विद लगेज, तो वो अंडर पावर वाली फील मुझे आती थी। इसीलिए मैंने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मैं गया और मैंने इसको थोड़ा अपग्रेड किया। तो यही गाइस रीज़न है। आई होप मैंने इस वीडियो में अपने एटलीस्ट, अगर आपके क्वेश्चन थे कि मैं क्यों बेचना चाहता हूँ, तो मैंने क्लियर कर दिया हूँ। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इस वीडियो में गाइस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।